अब वैल्यू ऑफ ई पर थोड़ा बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई, ये जो वैल्यू ऑफ ई है, ठीक है, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करता है। द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई वेरीज, वैल्यू ऑफ ई वेरीज फ्रॉम इक्वल टू 0 to इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ ई वेरीज फ्रॉम इक्वल टू 0 to इक्वल टू 1, ठीक है। अब यही ई जब बिल्कुल 0 है तो हमको पता है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, या परफेक्टली इलास्टिक कहो, ठीक है। और ये ई जब 1 होगा तब इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन कह सकेंगे, या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो जब ई 0 है तब सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ये बहुत कॉमन बात है, ये सब तुम लोग जानते ही होगे। और जब ई 1 होता है तब लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, ये दोनों कंजर्व्ड होता है ना, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, कब, जब इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा जो थर्ड पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे, जब ई का वैल्यू एनीथिंग ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, जनरल केस ऑफ कोलिजन जो है, जो एक्सट्रीम केस नहीं है। एक्सट्रीम केसेस क्या है, आइदर इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, ठीक है ना। इक्वल टू 0 यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इक्वल टू 1 यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और ऑल अदर वैल्यूज ऑफ ई बिटवीन 0 एंड 1 इंप्लाइज दैट ओनली लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओनली लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो ये है रिजल्ट, कौन सा कोलिजन में कौन सा क्वांटिटी का क्या इस्तेमाल है। दूसरा है कि पहचान क्या है, कि इक्वल टू 0 जब होगा इनलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, वहां क्या होगा, कोलाइडिंग बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर। इस केस में क्या होगा, हम लोग ये कह सकते हैं कि कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ, कोलाइडिंग बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कोलिजन होने के बाद दो बॉडी सेपरेट नहीं होगा, ठीक, क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेशन। हाँ, और इक्वल टू 1 में एक स्पेसिफिक बात जो है, जनरल बात तो बहुत कुछ हो सकता है, एक स्पेशल बात ये है कि वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज्ड फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज, दो आइडेंटिकल बॉडीज के बीच में जो वेलोसिटी वैल्यूज है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, वो एक्सचेंज हो सकेगा, है ना। ये सिर्फ दो आइडेंटिकल बॉडीज के बीच में वेलोसिटी का एक्सचेंज सिर्फ तभी होगा जब वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी कि हर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होगा, तभी सिर्फ हो सकता है जहां कोलाइडिंग बॉडीज आइडेंटिकल हो, यानी कि दोनों का मास जब इक्वल हो, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल। तो ये स्पेशल केस है, ठीक है, जनरल केस तो बहुत सारा हो सकता है। रिजल्ट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज क्या होगा, उसका बहुत सारा जनरल केस हो सकता है। क्लियर हुआ बात, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि एक चीज और हम लोगों को कोलिजन में समझना है, कि हम लोग एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन के बाद दो कोलाइडिंग बॉडी के बीच में क्या किस तरह का
किस तरह का रिजल्ट बन सकता है। तो रिजल्ट ऑफ कोलिजन, अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स अगर है तो उसमें रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड डायमेंशनल बॉडी में क्या हो सकता है, ये दोनों चीज भी हमको समझना है। क्लियर है? मैं पहले थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर उस पर न्यूमेरिकल पे आएंगे। कोलिजन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि जिसका डायमेंशन काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। कोलिजन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर उसका डायमेंशन काउंटेबल नहीं है, तो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा, है ना, ये एक पॉइंट अगर देखे तो ये हमेशा 1D कोलिजन का बात ही कर सकता है, 1D कोलिजन, ठीक है, ये 1D कोलिजन के बारे में ही बात कर सकता है, क्योंकि तब जो है अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और दोनों में कोलिजन हो रहा है तो फिर वो जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स वाला बात है वो हमेशा दोनों के बीच में यू रिलेटिव जो है उसी लाइन पर होगा, ठीक है, क्योंकि तब सेंटर ऑफ मास अलग से काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1D कोलिजन पर बात करेंगे, लेकिन हाँ, जैसे कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज अगर इस पे बात करते हैं, ठीक है, कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज अगर इस पे बात करते हैं तो इसमें दोनों बात हो सकता है, 1D कोलिजन और 2D कोलिजन, यानी कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल, दोनों जो स्फेरिकल डायमेंशन वाला बॉडी होगा, भले वो आइडेंटिकल हो, यानी कि दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज इक्वल हो या ना हो, दोनों में 1D कोलिजन या 2D कोलिजन बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑब्जर्वेशन यू रिलेटिव इज अपियरिंग अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन or not, depending on that we can reach to the conclusion of resulting motion as 1D collision or 2D collision. अब चलते हैं collision between a point object and a one dimensional rod. वन डायमेंशनल रॉड, एक रॉड का जिसका एक वन डायमेंशन यानी कि लेंथवाइज मेजरमेंट है, ऐसे बॉडी के साथ अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है तो वहां क्या क्या हो सकता है। यहां कई बात हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेशन मोशन, आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशन मोशन दिख सकता है। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ठीक है। या थर्ड पॉसिबिलिटी, दैट इज आफ्टर कोलिजन रोटेशन मोशन ओनली, ये भी हो सकता है। तो कई अलग अलग चीज बन सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन, समझ रहे हो कि नहीं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है कोलिजन में, कि डिपेंड करेगा कि जब दो बॉडी के बीच में कोलिजन हो रहा है तो कोलाइडिंग बॉडीज के बीच में कोलिजन का क्या वो रीज़न है, कि आफ्टर कोलिजन स्पेशली द डायमेंशनल बॉडी दैट इज़ अ वन डायमेंशनल रॉड, इट इज़ आइदर गोइंग ट्रांसलेशन और गोइंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, और इट इज़ फॉलोइंग एन एक्सक्लूसिव रोटेशन ओनली।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। बात करेंगे कि जैसे खासकर जो थर्ड वाला पार्ट हमने कहा, हम लोग ट्रांसलेशन या रोटेशन या दोनों का कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कब होता है, उसमें हम लोगों को बात करना है, दैट इज कोलिजन बिटवीन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोलिजन बिटवीन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ वन डी रॉड, यानी वन डायमेंशनल रॉड। ठीक है, जब इसका हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ क्या क्या वेरिएशन हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मान लो इसका पहला पॉसिबिलिटी कब ट्रांसलेशन होगा, when translation is observed, after collision, जब collision के बाद सिर्फ translation motion देखा जाएगा तो वो कब होगा। तो उसके लिए केस ये है कि मान लो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। तो ये एक रॉड है, ये एक वन डायमेंशनल रॉड है, ठीक है। इस वन डायमेंशनल रॉड का मान लो ये सेंटर पॉइंट है, वन डायमेंशनल रॉड का ये सेंटर है। इफ आई डिफाइन द रॉड एज ए बी विथ सेंटर सी, ठीक है, रॉड को मैं ए बी ले रहा हूँ, रॉड का मास है कैपिटल एम और इसका लेंथ है मान लो एल। इफ अ पार्टिकल स्ट्रेटवे गोइंग टू हिट द सेंटर ऑफ द रॉड, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और एनी अदर डायमेंशनल बॉडी, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक मान लो स्फेरिकल बॉडी भी ले लेता हूँ, है ना, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक स्फेरिकल बॉडी भी ले लूँ, तब भी यहाँ जो कोलिजन होगा वो चूंकि सेंटर ऑफ मास में जाके कोलिजन होगा तो रिजल्ट ऑफ कोलिजन विल बी ओनली ट्रांसलेशन। गॉट माई पॉइंट? यानी कि हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, when point object will strike the rod AB, point object will strike the rod AB at its center C. When point object will strike the rod AB at its center C, then the result of motion, then the result of motion will be translational. रिजल्ट ऑफ मोशन विल बी ट्रांसलेशनल फॉर द रॉड। रॉड के लिए ये जो रिजल्टिंग मोशन है ये एब्सोल्यूटली ट्रांसलेशनल मोशन होगा कब, रॉड के लिए ये मोशन ट्रांसलेशनल होगा कब, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट जाके स्ट्रेट वे सेंटर ऑफ द रॉड में हिट करेगा। अब यहाँ सवाल बन सकता है कि क्या सर ये इलास्टिक कोलिजन होना जरूरी है, या क्या ये इनइलास्टिक कोलिजन होना जरूरी है, या E का कौन सा वो स्पेसिफिक वैल्यू के साथ पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द रॉड में जाके कोलाइड करे ताकि हमको रॉड में ट्रांसलेशन मोशन दिखे। तो सवाल है कि ये जो ट्रांसलेशन मोशन का मैंने बात कहा, फॉर पार्टिकल स्ट्राइकिंग द सेंटर ऑफ द रॉड, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ई का कोई भी वैल्यू ले लो, ई का कोई भी वैल्यू दिया हो, चाहे वो ई जीरो से लेके वन तक कुछ भी वैल्यू दिया है, ठीक है ना, ई का वैल्यू जीरो से लेके वन तक कुछ भी दिया हो, रिजल्टिंग मोशन रॉड का हर हाल में ट्रांसलेशनल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज गोइंग एंड हिटिंग द सेंटर ऑफ द रॉड। और उसमें भी कई और बात हो सकता है कि क्या नेसेसरी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट रॉड पे जाके बिल्कुल परपेंडिकुलर टू रॉड हिट करे, जैसा कि मैंने ये ड्राइंग बनाया,
ये सवाल बन सकता है ना कि क्या जरूरी है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड इज नेसेसरी टू हिट द सेंटर ऑफ द रॉड टू मेक इट हेड ऑन कोलिजन टू मेक इट 1D कोलिजन सो दैट द रॉड कैन ओनली हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन आफ्टर कोलिजन. तो आंसर है नो. ये सिचुएशन ये हो या मान लो ये हो गया हमारा रॉड का पोजीशन, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द रॉड है सी, ये बी. अगर मान लो ये तो पहला केस में लिया कि जो डॉटेड लाइन नॉर्मल टू द रॉड था जिसमें पार्टिकल जाकर हिट किया, ठीक है ना. अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं कि ये एम मास का पार्टिकल है, ये इस तरह से मूव कर रहा है विथ मोमेंटम और वो जाके सेंटर पे हिट कर रहा है एट सम एंगल थीटा विद द नॉर्मल लाइन. नॉर्मल से अगर थीटा एंगल पर आकर भी पार्टिकल सेंटर ऑफ द रॉड में हिट करेगा, ठीक है ना. इफ द पार्टिकल इज नाउ हिटिंग द सेंटर ऑफ द रॉड बट नॉट मूविंग नॉर्मली एज आई हैव ड्रॉन इन दिस डायग्राम बट इट इज मेकिंग collision along a line which makes theta with the normal, then also the resulting motion of the rod will be translation. यहाँ क्या हो सकता है? हो सकता है कि particle इस direction में rebound करे. ये rebouncing path हो सकता है particle का. rebouncing path for the particle. अब उसमें मैंने angle जो है ये एंगल का जो बात है ये मान लो मैं कुछ थीटा डैश मान लूँ. अब सवाल है कि भाई ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा दिख रहा है तो क्यों मैं इसको थीटा डैश लिख रहा हूँ, क्यों नहीं थीटा. तो इसमें भी वजह है. इसमें भी क्या है, इसमें समझ के रखो, इफ इज इक्वल टू वन, अगर यहाँ दे दे कि ये जो कोलिजन होगा बिटवीन द पार्टिकल एंड द रॉड अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, then E will be equal to E dash, then theta will be equal to theta dash. अगर E 1 होता है तो तभी जाकर ये conclusive idea बनेगा कि हाँ भाई angle of incidence और angle of reflection का बात applicable होगा इस case में for the particle striking the rod. समझ रहे हो कि नहीं. लेकिन if E is not equal to 1, यानी कि अगर मैं मैथमेटिकल रेंज की भाषा में कहूं तो E एनीथिंग क्लोज्ड 0 टू ओपन 1, या 0 हो जाए तो खैर छोड़ ही दो, मैं इसको ओपन 0 टू ओपन 1 कह देता हूं. E का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, रैदर E इज ओपन इंटरवल 0 टू 1, इन दैट केस थीटा एंड थीटा डैश आर नॉट इक्वल. दैट मीन्स पार्टिकल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिबाउंस नहीं करेगा. इट विल रिबाउंस इन अ डिफरेंट एंगल विद द नॉर्मल देन द एंगल विथ विच इट विल बी स्ट्राइकिंग द रॉड. समझ में आ रहा है. ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है. इसी सब का एप्लीकेशन, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है वाइल यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कोलिजन. समझ रहे हो कि नहीं. क्लियर हो रहा है कि नहीं. अच्छा अब सवाल ये है कि चाहे मैं केस 1 का बात करूं या केस 2 का बात करूं, पार्टिकल मतलब रॉड को अगर नॉर्मली हिट किया जाए या रॉड को एंगल पर हिट किया जाए, वो भी ये पॉसिबिलिटी हो कि थीटा और थीटा डैश इक्वल हो या ना हो, इक्वल हो या ना हो, तब भी हमको एक चीज ध्यान में रखना है. हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि मोशन ऑफ रॉड दोनों ही केस में, ध्यान से देखो, मोशन ऑफ रॉड जो लिख रहे हैं दोनों ही केस में वो कौन सा लाइन पे है. मोशन ऑफ रॉड यहां दोनों ही केस में कौन सा लाइन पे है, एक्सक्लूसिवली अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोलिजन. कौन सा लाइन पे रॉड का मूवमेंट होगा, दैट विल बी नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कोलिजन. ठीक है, क्लियर हो रहा कि नहीं. क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि दोनों ही केस में मैंने रॉड को स्टेट ऑफ रेस्ट स्टैटिक स्टेट पे रखा बिफोर कोलिजन, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केस में जो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल होगा, दोनों ही केस में चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो होगा नॉर्मल टू द स्ट्राइकिंग प्लेन। समझ रहे हो कि नहीं? आसान से बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा बात कर रहे हैं, ये अंतर है ना। आसान बात कर रहे हैं, इजी पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बनता है अगर इस तरह से कोलिजन को नहीं पढ़े हो तो। लेकिन जैसे ही इस लेक्चर को अच्छा से रिवाइज करोगे, एक बार में नहीं होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक बार में ये बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। भले क्लास में, रनिंग लाइव क्लास में तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस क्लास का जैसे ही इसका जो तुमको रिकॉर्डेड वर्जन जब आ जाएगा ऐप में, है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, बहुत मन लगा के इसको रिवाइज करना, तब जाके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है ना। ऐसा नहीं कि इसको अच्छा से रिवाइज किए बगैर न्यूमेरिकल करने बैठ गए तो फिर फंसेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरा बात? तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस लेक्चर को ऐप में जैसे ही ये रिकॉर्ड हो जाएगा इसको कई बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ठीक। तो मैं धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। कोलिजन में बहुत सारा वेरिएशन है, इसीलिए एक एक वेरिएशन को पहले कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है और तब जाके हम लोग इस पर जब न्यूमेरिकली बात करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के क्लास के लिए मैंने जितना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया, जितना डिफरेंट केसेस बताया, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। हाँ या ना बताओ? बहुत ज़्यादा चीज़ आज बता देंगे तो एक क्लास में पूरा हॉचपॉच हो जाएगा, दिमाग में एकदम है ना बवंडल बन जाएगा और सब ले देके बड़ा कन्फ्यूजन स्टेट बनेगा। तो आज इतना ही रहने दो और इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करो। मैं समझता हूँ कि आज घर में जब इसका रिवीजन करोगे, जब ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा ऐप में, इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करो ताकि कल का क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा है ना एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ और नए नया सिचुएशंस, हाँ, और बहुत सारा वेरिएशंस हम इस पे बात करने वाले हैं।